हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जी वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। यहाँ पे देखिए, सो अभी मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। सो बेसिकली देखिए दोस्तों कि ये जो ऑटोमेटिक क्रिस्टा है इसका जो कम्फर्ट लेवल है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है और इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो आपको बिल्कुल भी जर्क जो है वो फील नहीं करवाता है। और इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशंस तो आपको पता ही है कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा उस चीज़ के लिए पहचानी जाती है। और पावर आउटपुट की भी हम अगर बात करें तो पावर आउटपुट भी ये कार का बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी देखिए, मैं अभी इको मोड में ये कार जो है उसे चला रहा हूँ, सॉरी नॉर्मल मोड में। फिर भी इसका जो पिकअप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और अगर मैं इसे पावर मोड पे डालता हूँ तो सिटी में ये कार जो है वो मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद में BS6 होने की वजह से ये कार का जो इंजन रिफाइनमेंट लेवल है वो भी नेक्स्ट लेवल तक चले गया है और जो NVH लेवल से वो भी बहुत कम हो चुके हैं, यानी कि जो कैबिन नॉइज़ है वो बहुत ही कम हो चुकी है। और स्टेयरिंग रिस्पॉन्स की हम अगर बात करें तो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा है। और सबसे मेन बात तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की एक सबसे बड़ी खासियत बताता हूँ जो कि मैंने और दूसरे कोई भी गाड़ी में देखी नहीं है, वो ये है कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जब आप चलाते हो तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि आप एक बड़ी गाड़ी, एक MPV चला रहे हो। सो ये सबसे बड़ा USP है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का सेलिंग पॉइंट में। अभी जैसे कि मैं ये 8-सीटर व्हीकल चला रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये 8-सीटर व्हीकल है। मुझे कोई भी एंगल से लग नहीं रहा है कि ये एक 8-सीटर व्हीकल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई सेडान कार है। और इसका जो आगे का जो पोर्शन है वो बहुत ही नैरो है, सो उसकी वजह से भी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि ये गाड़ी जो है वो एक बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। और इसके अंदर अगर पैसेंजर्स भी बैठते हैं तो इसके इंजन के ऊपर कुछ लोड नहीं आता है, जैसे कि दूसरे गाड़ियों के अंदर क्या होता है कि अगर पैसेंजर्स बैठ जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो चेंज हो जाता है, आपको अंडर पावर फील होती है। लेकिन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ये बिल्कुल भी फील नहीं होती। इसका जो 2.4 लीटर का डीजल इंजन है ये बहुत ही पावरफुल है और ये बहुत ही रिलायबल है, जैसे कि टोयोटा के इंजन्स जाने जाते हैं रिलायबिलिटी के लिए। और इसकी रिफाइनमेंट लेवल दोस्तों मतलब मैं क्या ही बताऊँ, डीजल इंजन होने के बावजूद भी ये कार का जो फील है वो पेट्रोल कार की तरह है। और पिकअप भी अगर मैं बात करूँ तो अभी देखिए मैंने पावर मोड में ये गाड़ी जो है वो डाल दी है, सो अभी मैं पिकअप लेता हूँ। ये देखिए, सो पिकअप भी ये कार का बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो ट्रांसमिशन की जो गियर से जो क्विक शिफ्टिंग है वो बहुत ही क्विक होती है, आपको कोई भी एंगल से मतलब पता नहीं चलेगा कि आप एक ऑटोमेटिक कार चला रहे हो। सस्पेंशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, बस इतना एक है कि प्राइस जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है लेकिन वो वर्थ है। मैं आपको बताता हूँ, इसका 1-1 रुपया जो है वो वर्थ है क्योंकि आपको ये बस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है यूजफुल तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल